उम्मीद विद जाकिर खान। नमस्कार, मेरा नाम जाकिर है। आप अगर अभी तक अगर सुनते हैं पॉडकास्ट तो आपको अंदाजा हो ही क्या होगा कि मेरा नाम जाकिर और हर हफ्ते हम एक हर दिन जो है एक नई बात करते हैं। आज जो है मुझे मेरे दोस्तों की बहुत तेज याद आई तो सोचा कुछ को फोन कर लूं, कुछ से बात कर लूं। तो ऐसे याद कर रहा था मैं कि बचपन में जितने अलग अलग तरह के दोस्त होते हैं और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी ना आपके दोस्त घटते जाएंगे। बचपन में सबसे ज्यादा दोस्त होते हैं आपके, स्कूल में सबसे ज्यादा दोस्त होते हैं आपके। तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था इमरोज नाम का, अक्सर घर आता था, घर वालों से भी बात करता था, मम्मी पापा से भी बहुत क्लोज हो गया था वो। और वो ना बिल्कुल वो पेरेंट प्लीजिंग बात करता था, वैसी बातें करता था कि नहीं आंटी जी आप सही कह रहे हो, मतलब पेरेंट्स हमारे लिए इतना करते हैं, हमको भी तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। मतलब मैं उससे इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था ना यार कि एक बार मैंने उसको पानी पिलाते हुए भगा दिया। मैंने मम्मी को पानी दिया, मैंने पापा को पानी दिया, मैंने उसको पानी दिया और उसको बोला आज के बाद मेरे घर मत आना। ऐसे और भी बहुत सारे दोस्त थे मेरे जो घर आते थे, घर में घुस के रहते थे। फिर एक दूसरी तरह के दोस्त थे जो शायद आपके भी होंगे, जो ना नीचे दरवाजे से ही आवाज लगाया करते थे, बाहर से ही, वो कभी घर नहीं आते, वो ना कभी घर वालों से बात करते हैं, शर्माते होंगे शायद या डरते होंगे या उनके घर का माहौल ऐसा होगा, तो बाहर से आवाज लगा देते कि जाकिर, या किसी दोस्त को भी आवाज लग रहा पिंटू, और इंतजार करते हैं कोई बस नीचे आ जाए खुद से। और इनसे अगर मान लो कि मम्मी पापा ने आगे रह के अगर बात कर ली, अगर इनसे पूछ ली कि हाँ बेटा क्या हुआ, तो एकदम ऐसे डर जाएंगे जैसे कि कुछ चोरी करने जा रहे थे और पकड़े गए। बचपन का वक्त था, बड़ा मजा आया, अच्छी जिंदगी कटी। पर आज जब मैं कालांतर में देखता हूं, जब टेस्ट ऑफ द टाइम में मैं ये रिलेशनशिप्स देखता हूं, तो मैं देखता हूं कि वो सारे लोग जो घर की दहलीज के बाहर से आवाज लगाया करते थे वो सब अब गायब है, चुमत। और हर वो शख्स जिसने घर में बैठ के बात की, खाना खाया, हम प्याला हमने वाला रहा, वो आज भी जिंदगी में उतनी ही शिद्दत और इरिटेशन के साथ, मेरी नापसंदगी के बावजूद, वो उतने ही प्यार दुलार और सत्कार और अपनेपन से जिंदगी में बने हुए हैं। तो मैंने इसके बारे में बड़ा सोचा कि ऐसा कैसे हुआ, वो भी तो दोस्त थे, ये भी तो दोस्त हैं, वो कैसे गायब हो गए और ये कैसे रह गए। और एक सोशल बिहेवियर, हमारा जो बिहेवियर है उसके बारे में एक बड़ी बारीक बात मुझे समझ आई, जो मुझे लगता कि मेरी समझ सबसे बेस्ट समझ है, पर अभी के लिए जितना मुझे समझ में आया मुझे लगा कि ये आपको बतानी चाहिए, क्योंकि आप भी जब सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ 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 यार ये तो बड़ा, मुझे भी ऐसे, मेरा कल ये एपिफेनी मुझे ही हुई है, तो मुझे लगा कि यार ये बात तो आपको बतानी चाहिए, क्योंकि इस बात से मुझे एक एकदम नई ताजा उम्मीद मिली है। और जैसे सुबह सुबह वो ताजा हरी ओस की बूंद होती है ना जो किसी घास के पत्ते पे गिरी होती, उतनी ही ताजा ये उम्मीद मैं आपके लिए लेके आया हूं। मेरा नाम है जाकिर खान, आप सुन रहे उम्मीद गाना ऐप पर। उम्मीद विद जाकिर खान। हमारे पापा की एक बड़ी गंदी आदत थी, वो क्या करते थे कि जैसे ही कोई घर दोस्त आया कॉपी लेने मिलने आए, उसको अंदर बुला लेंगे, अरे बेटा आओ 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 घर में बैठो। अब मम्मी पापा से कौन बात करना चाहता है, मैं भी नहीं करना चाहता, मैं शर्मिंदा हो रहा हूं कि पापा मत करो यार ऐसे। घर में बुला लिया लोगों से, बात कर रहे हैं उनसे, पूछ रहे हैं कैसा चल रहा है बेटा, कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है। थोड़े दिनों बाद लोग कंफर्टेबल हो गए। अब हुआ ये कि जब वो मेरे घर आने लगे तो फिर मैं भी उनके घर जाने लगा। हमारे पापा को बड़ा क्लियर ब्रीफ था, बार बार एक ही बात कहते थे कि भाई सुनो भाई, दोस्ती अगर करो तो घर की करो। तब तो बड़ा अजीब लगता था और फिर हमें लगा कि अब इतनी बार बोल दिया है, उनके माँ बाप से मिलवाओ बेटा तुम्हारे दोस्तों, अब कितना ऑकवर्ड है ये, कहाँ मिलवाए, मतलब स्पेशली 19th, 11th, 12th में तो आप बड़े हो जाते, यू वांट टू हैंडल थिंग्स ऑन योर ओन, यू डोंट वांट योर पेरेंट्स टू बी इन्वॉल्वड इन एवरीथिंग। और दोस्ती ना बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है आपकी जिंदगी का। एक बड़ी अंग्रेजी की अच्छी कहावत है, उसमें ये है कि फ्रेंड्स आर द फैमिली यू चूज, कि वो आप पैदाइश से आपको माँ बाप मिल जाते हैं, आपके भाई बहन मिल जाते हैं, पर दोस्त जो है वो आप खुद चुनते हो, आप खुद बनाते हो, और उनका बड़ा आपकी जिंदगी पे बहुत इंपैक्ट रहेगा हमेशा। आप क्या सीखोगे, आप क्या जानोगे, आप क्या देखोगे, आप क्या समझोगे दुनियादारी के बारे में, इस सब का बहुत लेना देना है इस बात से कि आपके दोस्त कौन और कैसे और किनके साथ आप उठे बैठे, हम प्याला हम निवाला हुए। बहरहाल जब हम साहब ये सब होने लगा, घर की दोस्तियां हमने बढ़ाई, क्योंकि हमारे वालिद साहब ने भी हमें कहा कि नहीं भाई दोस्ती करो तो घर की करो,
बाद में हमें उसका एक एजेंडा भी समझ में आया। उसका एजेंडा कुछ इस तरह से था, जो कि बड़ा कमाल का एजेंडा है, कि क्या है कि जब कोई तुम्हारे घर आके बैठेगा, जब तुम किसी के घर जाके बैठोगे, देखो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, एक जवाबदेही बनती है कि आप अपने दोस्त को गलत सलाह नहीं दे सकते, आप उसे फंसा नहीं सकते, आप उसके साथ झूठ नहीं कर सकते, आप उसके साथ धोखा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप उसके माँ बाप से भी मिले हो, आप उसके घर भी बैठे हो। कल को अगर कुछ गलत होगा तो उसके पेरेंट्स मुझे आके बोल सकते हैं कि जाकिर बेटा आपने ऐसा क्यों किया, आप तो घर आते थे ना हमारे। और वाइस वर्सा मेरे पापा भी ये कर सकते हैं कि अरे बेटा आपको तो खाना खिलाया ना हमने घर पे बैठा के, फिर आप ऐसे कैसे कर सकते हो। और ये बात मैंने देखी है कि वो सारे लोग जो धोखा कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं, वो सब लोग चोर ना, वो कभी घर नहीं आते, बाहर से आवाजें लगाते हैं कि जाकिर दो मिनट बाहर आ जा यार। ये शर्मिंदगी है, एक एक, 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 एक उसका अंदाजा है, उसमें स्पेस है, घर की दोस्ती में स्पेस नहीं है। एज पेरेंट ही बहुत कमाल का आइडिया था, पर जिंदगी में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, और क्योंकि आदतन मेरे में आ गया कि जब मैं दोस्तियां करने लगा तो मैं घर की दोस्तियां करने लगा, तो जो बात मुझे समझ आई वो इतनी कमाल की और इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत है, और वो इतनी ज्यादा काम की है कि वो ज्यादा बड़ी बात है कि दोस्तियां घर की करो या नहीं करो, पर ये जानना बहुत जरूरी है। क्या है ना कि जब आप घर की दोस्ती करते हो, हम अपने माँ बाप के, अपने घर में, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ पलते बढ़ते हैं, एक सर्टन पैटर्न होता है उसका लाइफस्टाइल का, कि हमारे पापा ऐसे तो हमें लगता सबके पापा ऐसे, हमारी मम्मी ऐसी तो हमें लगता सबकी मम्मी ऐसी, हमारा भाई हमारी बहन ऐसी तो हमें लगता सबके भाई बहन ऐसे होते होंगे। लेकिन मुल्क बहुत बड़ा है, इस देश का रहना सहना कल्चर, हर घर का अपना यूनिक। जब आप घर की दोस्ती करते हो तो आप एक नए परिवार से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, आपका तारुफ होता है उनसे, वो कैसे रहते हैं, वो कैसे अपना काम चलाते हैं। हो सकता है आपके पापा जितने पैसे कमाते हैं, आपके दोस्त के पापा भी उतने पैसे कमाते हो, पर वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं। कैसे? ये जब आप उनके घर जाएंगे तो आपको देखने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा। कोई दोस्त होगा ऐसे जिसके पापा नहीं होंगे, कोई दोस्त ऐसा होगा जिसकी शायद मां नहीं होगी, वो अपने आप को कैसे संभालते हैं, रखते हैं, इमोशनली कैसे हैंडल करते हैं, उनका परिवार चलता कैसे है। कोई दोस्त होगा जो इकलौता होगा अपने घर में, कोई दोस्त होगा जिसके साथ भाई बहन होंगे, जितने अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन है, पैटर्न्स है, ये सब आपको देखने को मिलता है। और उनके घर जाने से उनकी जिंदगी जीने का मौका मिलता है, उनके परिवार का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। आप देख रहे हैं आपके माँ बाप तो एक ही होंगे, पर आप अपने दोस्तों के पेरेंट्स से बात करके आप दसियों परिवार की जिंदगी एक साथ जी सकते हैं। उसका फायदा क्या? उसका फायदा यह कि कल्चरल अंडरस्टैंडिंग आएगी आपको, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग आएगी आपको, कि लोग इस तरह से बिहेव करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं और कुछ लोग ऐसे करते हैं। ये लर्निंग इतनी कमाल की है ना कि जिंदगी में चाहे आप जो करें, आप चाहे LIC एजेंट बने, चाहे आप बैंक में नौकरी करें, चाहे आप सेल्स में नौकरी करें, चाहे आप राइटर बन जाएं, चाहे आप रेडियो में काम करें, ये लर्निंग आपको जिंदगी में हर जगह उतनी ही काम आएगी। आप देखो कि आप अपने पीयर्स एकदम अलग हो, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर है। और ये इतना बड़ा सुपर पावर आपको फील होगा अपनी जिंदगी में, जिसके लिए आप जब अगर आप ये करेंगे तो सारी जिंदगी मुझे दुआएं देंगे कि यार जाकिर ने सही बात बताई थी, तो मुझे मत दीजिएगा, मेरे वालिद साहब को दीजिएगा, क्योंकि ये बात उनकी सिखाई भी, मैंने बस समझी है। उनकी बात में एजेंडा था, मैंने जो समझा अपने दोस्तों से जो सीखा उसमें उम्मीद थी, और वही उम्मीद आज मैं आपको देने आया हूं। मेरा नाम है जाकिर खान, आप सुन रहे हैं उम्मीद गाना ऐप पर। उम्मीद विद जाकिर खान। तो इतने इलैबोरेट डिस्कशन के बाद जो है आज मेरे साथ है मेरे दोस्त, साथी कमेडियन और बहुत बढ़िया इंसान, और जो है उसके अलावा भी 75 क्वालिटीज इनमें है, पर उनके बारे में क्या ही बात करना। ठीक है निशांत भाई, स्वागत है, स्वागत करें आप, मैंने घर पे भी नहीं किया आपका स्वागत। थैंक यू भाई, थैंक यू। मेरे को भी 5 का ही पता था, जो आज बाकी 70 क्वालिटी भी आपने बताई। जी जी जी, मैं हारे तो मुझे आपको 5 का पता था। तो निशांत भाई, हम आज का आपने सुना एपिसोड, हम बात कर रहे थे जिस तरह से कि दोस्ती
जो है घर की करना कितनी जरूरी है। तो आपके जीवन में किस तरह की दोस्तियां जो घर की रही वो कितने काम की रही और क्या नहीं रहा और किस तरह का आपका क्या मानना है उस बारे में, थोड़ा सा जरा रोशनी डालें। भाई ये घर की दोस्ती का जो सबसे मेन वर्ड है जो मुझे लगता है मेन वो है व्यवहार, है ना। मुझे नहीं पता इंग्लिश में कैसे समझाना है इसको, हिंदी में जो समझा सकता था मैं बता दूं। व्यवहार के तो हमारे बड़े एग्जांपल्स भाई, वही वही बताने वाला हूँ मैं, वही बताने वाला हूँ। पहली बार कैसे हुआ जो हमारा, अगर आप सोचो मेरी जो जाकिर की जो केमिस्ट्री उसका जो पहला जो मुझे अचानक से जो खनका था ना कि यार ये इंसान, बहुत सालों पहले क्या था दिल्ली में हमने कॉमेडी नई नई शुरू की थी तो हम एक शो की प्रैक्टिस करके निकले थे, तीन चार लोग थे और ऐसे बाकी सब ऐसे अलग अलग जा रहे थे, मैं अपनी टैक्सी का वेट कर रहा था तो बाकी लोग ऐसे जाने लग गए, अच्छा बाय बाय चलते हैं चलते हैं चलते हैं ऐसे, तो जाकिर खड़ा रहा कि यार इतनी देर वेट किया है, है? नहीं तो किसी ने बोला कि अरे तुम भी चलो, हाँ तुम भी चलो, हाँ जाकिर को भी लगे चलो चलो, तो जाकिर ने बोला कि अरे नहीं 5 मिनट के लिए क्या व्यवहार खराब करना। कर सकते हैं इतनी देर खड़े रही हैं, साथ थे ही अभी तक पिछले 2 घंटे भी है ना, घर जाके हमने कौन सा ऐसा नया उखाड़ लेना, उखाड़ना है पहाड़ उखाड़ना है, 5 मिनट के लिए क्या व्यवहार खराब करना। और अगर आप ये एक लाइन समझ जाओ ना, इसको बांध लो, इतनी बड़ी बात है ये, मतलब इतने सालों पहले की बात है और मुझे इतनी क्लियरली वो मोमेंट याद है मुझे, और तब से ऐसा शुरू हुआ था जी कि ये मैं एक अगर लाइन और बोल सकूं, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि जाकिर के साथ आपका क्या एग्जैक्टली क्या है, दोस्त है, तो मैं बोला कि वो सबसे अलग रिश्ता है क्योंकि या तो लोग दोस्त होते हैं, आपके छोटे भाई भी होते हैं और गुरु भी होते हैं, मेरे लिए तीनों साथ में। हाँ क्योंकि मैं साथ रहता हूँ तो मैं छोटे भाई की तरह रखता हूँ, पर मैं सीखता भी उससे, तो गुरु भी हो गया। अरे भाई, और दोस्ती तो है। अरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, तो बहुत सारा आपका प्यार है भाई। हाँ तो घरेलू दोस्ती पे हम आएंगे, ठीक है, ये जो हमने एक दूसरे की तारीफ जो हमने कर दी, नहीं नहीं ये भाई दिल से निकली तो पता ही। तो इसमें ऐसा है कि तो घर वाले हैं उनके साथ जब आपको थोड़ा जैसे दिल्ली से मुंबई आना हुआ तो घर वाले बहुत ही इस बात को लेके ना बहुत ही अगेंस्ट थे, क्योंकि एक तो मुंबई का हवा इतना फैला रखा है ना लोगों ने दूसरे पूरे शहर में कि मुंबई जाओगे वहां तो सांस लेने की जगह एक ही नाक से सांस लेना पड़ता है, एक साइड से नाक बंद रखनी पड़ती है, इतनी जगह की कमी है। तो घर वालों को इतना डरा दिया था ना कि मुंबई ओ हो जिंदगी जी लो, 2-4 दिन यहाँ बचे यही जी लो, मुंबई में तो कुछ नहीं है। तो ऐसे में किसी तरह घसीट पसीट के सबको लेके आया था कि पापा मम्मी को, अरे चलो मुंबई में ऐसा कुछ नहीं, चलो तो सही एक बार। उस टाइम ना जाकिर ने घर में आके एक बार में सब ऐसा सॉल्व कर दिया ना घर में आके, क्योंकि पापा मम्मी को ही था पता नहीं कहाँ शहर आ गए, कोई आसपास बात करने वाला नहीं है, किससे हेलो करेंगे, वहां तो इतने थे अपने लोग, किसी का चाय पी लेते थे, किसी साथ खड़े हो जाते बात कर लेते थे, तो घर एकदम आसपास था। तो जाकिर उन दिनों एक्स्ट्रा घर आता था, हाँ है ना, पापा मम्मी से मिलने थोड़ा एक्स्ट्रा जाता था ताकि उनको अकेलापन ना लगे कि हम इस शहर में अकेले नहीं है, है ना, क्योंकि सबसे बड़ा डर इंसान का अकेलापन है, और खासकर जब साथ रह के भी आपको अकेला लगने लगे तो आपको वो दूर करना। हाँ। तो घर आके थोड़ा सा ऐसे साथ में बैठ लिया उनको, चल नहीं नहीं हम है ना, अरे अंकल जी है ना, हम है ना, उधर भी क्या फर्क है बताओ, बैठो ना। भाई उसमें क्या था ना, एजेंडा काटने भी इजी हो जाता है। हाँ, हाँ। कि आपने एक बात बोली, मैंने आपसे पूछ लिया कि आपने कितना बोला हुआ इनको। हाँ। तो जब मैं आगे उनसे बात करूं, है ना, अंकल आंटी से, तो उससे आगे की बात करूं कि अरे देखिए अब वहाँ भी रिश्तेदारी कौन अच्छे लोग हैं, उनमें रह के भी कौन सा वो कोई अच्छी बातें करते हैं, इससे दूर के इम्पोर्टेंस बना रहता है, दूर रहो, तो ऐसे उसके पॉजिटिव्स गिनाना। तो हम मैच खेलने से पहले ना इसकी हल्की सी नेट प्रैक्टिस कर लेते हैं, स्ट्रेटजी सी बना लेते कि है ना सुनो आज इन स्विंग आएगी। हाँ। कि मुझे तो ये कहा है तो तू देख लो ना, तेरे को भी मेरे सामने तो चली थी ये लाइक ये वाली बॉल तो तेरे पे भी यही फेंकेंगे तो थोड़ा टैकल कर लेना। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, कितनी बार ऐसा हो जाता घर पे ना, एक बार मेहमान आ जाते हैं आपके, ठीक है, अब ऐसे लोग आए हुए हम बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं ना, तो बहुत तरह के लोग घर आ जाते हैं, मम्मी पापा के सामने ये कोई एक इंसान आए जो जा ही नहीं रहे और पता नहीं ना यार कि मम्मी पापा के सामने क्या कह देंगे क्या नहीं कह देंगे, मेरी खुद की जान पहचान नहीं, और आप इतने वार्म्थ में ना, और यहाँ पे बॉम्बे में ना बड़े ऐसे दिमाग पे चले हुए लोग बहुत रहते हैं, हमें तो एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया यहाँ, और उन्हें ये पता भी नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है, तो उनको लगता है वो ऐसे ही सही है। तो यार ये जा ही नहीं रहे घर और मुझे कहीं काम से जाना, तो मैंने कहा कोई आदमी तो चाहिए यहाँ पे जो पापा मम्मी मेरे लेवल का पापा मम्मी और इस इंसान के बीच में मीडिएट कर सके। निशांत भाई को फोन किया, निशांत भाई यार आप प्लीज आओ यार घर पे, मैं घर पे था भी नहीं कि घर पहुंचो, मैं निकल गया था, घर पहुंचो जरूरी है अभी आपका आना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कि अगर आप आसपास रहते हो और आपने अगर घर की दोस्तियां कर रखी,
तो इस तरह की छोटी 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 चीजें ना, बोलते ना कि अपने ऑलवेज ये थोड़ा अर्बन कल्चर, ये पता नहीं हम अमेरिकन कल्चर में कब आ गए। अमेरिका में भी नहीं होता ऐसा तो यार, कि पड़ोसी पड़ोसी को नहीं पहचानता, बिल्कुल गलत है। वहां पे भी लोग हे हे हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ वाज योर डे, सब पूछ लेते हैं। पता नहीं कब ये हम इस सब फेरे में फंस गए जहां पे इंसान इस बात में प्राउड लेने लगा कि हम तो अब साहब अपने नेबर को भी नहीं पहचानते। ये शर्म की बात है, शर्म की बात है आपके। अपने आसपास के लोगों से बात करें, मिलते जुलते रहें। जिंदगी बहुत लंबी है और तन्हा काटना उसका सबसे बुरा काटना होगा। तो दोस्ती जो करें तो साहब घर घर की करें, है ना। तो माँ बाप से मिले जुले व्यवहार करें, उसकी जवाबदेही बनती है और उसी का मजा है ना। और एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उससे, है ना। और जब अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है तो आती है उम्मीद। मेरा नाम है जाकिर खान और आप सुन रहे हैं उम्मीद गाना है पर। उम्मीद विद जाकिर खान।